वाओ क्या ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में करेले की पकौड़ी हो और एक बोतल दारू, मजा आ जाए एकदम, बिल्कुल कसम से बता रहे हैं। ना छोड़ दे, वो तो सोते सोते ऐसे है मुँह से निकल गया तो मेरी जुबान थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तू आदमी ही टेढ़ा है, तुझे पकड़ दूंगी सीधा, लेवल पे ला दूंगी एकदम। यार ठंड में दुनाई कर दिया, एकदम गर्म हो गया मैं, लेकिन माहौल एकदम गर्मा गया। इसका माहौल गर्म हो गया और ये रजाई गर्म ना हुई, 3 घंटे से इतनी ठंडी कैसे हुई? अरे तेरी वाली धोई थी मैंने शाम को। मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा तो तू खुश रहेगी। अच्छा तो ले ओ, इस धुली हुई रजाई को तुम ही ले लो और तुम ही खुश हो जाओ। अरे डैड कैसे पड़े चपाट मम्मी के, मजा आया ना? अबे चुप कर, कहाँ पड़े, तुमने कोई सपना देखा होगा? देखो ऐसा है, वैसे तो तुम हमारे बाप हो, लेकिन और मामले में हम ही तुम्हारे बाप हैं। अच्छा अपने बाप को शिकारिया है, एक चपाट में धुर्राटे काटेगा। ऐसा है, सारी अकड़ एक मिनट में निकाल दूंगा। जब मम्मी आपको चपाट मार रही थी तब उस सीन को हमने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, वायरल कर दूंगा तो। अरे दे दे दे, बेटा सॉरी 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 सॉरी, ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाते बेटा, ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाते। अच्छा तो मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी दारू पिलाओ। अबे धीरे बोल, तेरी माँ कच्ची नींद में है अभी, दारू पी के क्या करेगा? अरे यार तुम्ही ने तो कुछ देर पहले बोला कि ऐसी ठंड में दारू की बोतल हो तो मजा आ जाए, तो हम भी प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि क्या सच्ची में दारू की बोतल ठंडी में पीने से मजा आता है कि नहीं। बिगाड़ दिया लंदा, अपने तरह शराब से बना दे इसे भी। अरे मैंने क्या किया यार, वो खुद ही। मैं ये कह रही हूँ कि खड़ा हो जा और गेट के पास जाके खड़ा हो जा। अरे ऐसे है तो ठंड लग जाएगी मुझे। अच्छा फसाया इस लौंडे ने। ओ कनपटी, तेरी मौसी आ रही है, फोन लगा के पूछ कहाँ है अभी। इतनी रात को मौसी आ रही है, गजब खानदान है यार। पर मेरे अंदर भी एक अजीब कीड़ा है, मैं किसी पराई लड़की के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सो रही हूँ, जब तेरी मौसी आए तो मुझे उठा देना। अरे साली तू है, इतनी रात को कैसे आई, कोई कांड करके भाग आई है क्या? मेरे मजाकिया जीजू, दी किधर है? अरे दी को छोड़ो यार, ये बताओ तेरे गाल इतने गोरे कैसे हैं? तू कोल्ड क्रीम खाती है क्या? जीजू तुम भी ना, पहले अंदर तो आने दो, मुझ में वैसे ही ठंड से कंपन हो रही है। हाँ परिवेश करो, अपने गंदे पैरों सॉरी अपने कोमल पैरों को घर के अंदर रखो। अरे दी सो गई क्या? अरे हमारे सामने ज्यादा चबड़ चबड़ कर रही थी, मैंने भी एक चपाट फटाक से दो दिया उनके मुंह पर, वो अंधे मुंह उल्टी जाके गिरी एकदम। क्या बोला तुमने, अंधे मुंह? लगता है महाभयंकर प्रलय आने वाली है, अब यो हाथ फेरेंगी जरूर। और मुझे बीमारी है कि मैं पराई लड़की के सामने मार नहीं खाता हूँ, मेरा हाथ ऑटोमेटिक चल पड़ता है। अरे दी जाने दो बेचारे को, मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में ज्यादा बोल गया। अच्छा डबल क्रॉस कर रहा है, तेरा जबड़ा फोड़ दूंगी। देखो ऐसा है, कुछ कह नहीं रहा हूँ तो हल्के में ना ले हो, हमें एक चपाट में ही खून की उल्टी कर देगी। बेटा अभी तो चपाट पड़े थे, लगता है उसका असर खत्म हो गया। अच्छा देखो चुहिया पहाड़ उठाने चली। अच्छा इसके अंजाम के बारे में तो सोच लेता। अरे छोड़ो दी, पति है तुम्हारे, सोते हैं, दीदी बिस्तर लगाओ। अरे साली जी बेड पर ही सोते हैं सारे, दबाव हो जाएगा तो तेरी दीदी नीचे चली जाएगी। मेरे बाप का बेड है, मैं नीचे तो बिल्कुल नहीं सोऊंगी। अरे साली तेरी जवानी तो निकली जा रही है, कोई गंदा सा लड़का देख के भाग क्यों नहीं जाती? अरे
जीजू गंदे लड़के से याद आया, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा है। क्या बॉयफ्रेंड साथ लेके घूम रही है आधी रात को? अरे हम आधी रात को घर से भाग आए हैं शादी करने के लिए। क्या मैं तो तुझे ऐसे ही मान रहा था, तू तो बड़ी चालू चिड़िया निकली। अरे अब उसे अंदर तो बुलाओ, अब से बाहर खड़ा है वरना ठंड में सिकुड़ जाएगा बेचारा। पहले गेट खोल के आ चल वरना उड़ा दूंगा। मेरी बहन को देख कर पराग चबर चबर कर रहा है, लगाओ क्या रे? अरे दी पहले गेट तो खोल दो। आ जा मेरे बॉयफ्रेंड, जल्दी आ जा। अभी क्यों बुला लिया अंदर, अभी तो 2.5 घंटे ही हुए हैं, मेरी कुल्फी जम जाने देती तब बुलाती। अरे ये है बॉयफ्रेंड, इसकी तो गारंटी खत्म है। अच्छा तो तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? मजाक क्या, ये तो अंधा आदमी भी बता देगा कि ये एक्सपायरी डेट में चल रहा है। अरे आ जाओ ताऊ, इधर थोड़ी जगह है, बैठ पर आओ। ए ताऊ किसको बोला, मेरा नाम पिंटू है। पिंटू हाँ पिंटू जी आ जाओ, ये ठंड में मशीन जान ना हो जाए तुम्हारी। अरे यार तुझे बॉयफ्रेंड ही चाहिए था तो हमें बताती, मर गए थे क्या? हाँ तो तुम बनोगे बॉयफ्रेंड, यही उल्टे काम बचे हैं करने को, जेल में फुसवा दूंगी। अरे अरे हमारा मतलब ये कहना है कि अगर इन्हें बॉयफ्रेंड ही चाहिए था तो हमें बताती, हम कोई नई उम्र का लौंडा हो जाते। अरे मैं भी नई उम्र का ही हूँ, अभी हमारी उम्र ही क्या है, कुल 80 साल। क्या ये 80 साल का बुढ़ा ही मिला था तुझे शादी करने के लिए? बुढ़ा बुढ़ा बोलकर ताने मारोगे तो मैं बॉयफ्रेंड को लेकर चली जाऊंगी अभी। अरे नहीं बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी बच्चा ही तो है ये, कोई 100-200 साल का जवान लौंडा देखती क्या साधु भाई? हाँ सही बात है, 100-200 साल का जवान लौंडा। वैसे आपकी उम्र क्या है? 26 साल। फिर तो तुम आज कल में ही ताजी ताजी पैदा हुए हो। अच्छा तो ये जो मेरा लौंडा सो रहा है फिर ये तो दुनिया में है ये नहीं है, तुम्हारे हिसाब से बकवास कर रहा है ये बुड्ढा। ऐसा है ये बुड्ढा बुड्ढा बोल के फालतू नाटक मत करो, मेरी बहन की पसंद है, वो मोहब्बत है और मोहब्बत कभी बुड्ढी नहीं होती। अच्छा फिर तो ठीक है, तुम भी लेके भाग जा किसी जवान बुड्ढे को। अरे जीजू छोड़ो अब सो भी जाओ, सुबह कोर्ट जाके शादी भी करनी है। अरे क्या मजाक है ये, एक तो वैसे ही एक अच्छा पाला पड़ रहा है। क्या हुआ साधु बुढ़ाई, साधु भाई? अरे यार एक तो वैसे ही ठंड है और ऊपर से किसी ने मेरे नीचे पानी भर दिया। क्या किसने किया? अरे माँ ये बुढ़े अंकल कौन है, हमारे दद्दू हैं क्या? नहीं बेटा ये तेरे मौसा जी है। मौसा? अरे यार मौसा नहीं जानता क्या, अजीब लौंडा है, तेरे बाप की साली का होने वाला पति। बकवास बंद करो, ये बताओ मेरे प्यार के नीचे पानी किसने डाला, मेरी मोहब्बत का गीला किसने किया? ठंड में मार दिया रे। पानी क्यों डाला तुमने? यार हमने नहीं डाला, तुमने डाला होगा। अच्छा बेटा झूठ बोलता है। मैं तो सो रहा था, पक्का तुम्हीं ने पानी डाला होगा। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, उनके पास सोया हुआ है तो पानी तुम्हीं ने डाला है। आपने ही डाला है, वीडियो वायरल कर दूंगा। तू करेगा वीडियो वायरल? मुझसे गलती हो गई, मैंने ही गीला किया था पर पानी मैंने नहीं डाला था। तो गीला कैसे हुआ? वो मुझे बहुत देर से मूत लग रहा था और इस ठंड में बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे लग रहा था कि मैं नाली पर खड़ा हूँ और मेरा सारा मूत निकल गया बेड पर ही। अच्छा अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी काली चुड़ैल। गई रीढ़ वाली हड्डी।